हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज है 7th मार्च 2024। अभी रात के बज रहे 10:30 और हम लोग जा रहे हैं नाइट ड्राइव पे। तो हम चार लोग हैं बेसिकली, मैं, यश, युवराज और वेदांत। भाई अपन किधर जा रहे हैं? बीकेसी पक्का तू ही बोला ना, जाने का है क्या उधर घूमने लायक? क्या है यार, कुछ नहीं है, वही तो देखते हैं भाई। जियो वर्ल्ड ड्राइव चालू भी होता है क्या? पता नहीं भाई, देखते हैं जहाँ तक पेट्रोल है वहाँ तक हम जाएंगे। पेट्रोल तो बहुत है, भरवा भी लेंगे। लोनावला चलते हैं, मैं तो बोलता हूँ शेयर बेच के पेट्रोल भरवा लेंगे। हाँ भाई, तो गाइस हम लोग बीकेसी का ब्रिज मिस कर चुके हैं, अब हम घूम फिर के मरीन लाइन जाएंगे। ओवर एक्टिंग करता है भाई। तो गाइस पहुंच गए हम लोग मरीन लाइन। अब पता नहीं क्या करना है, बस ऐसे ही वॉक करेंगे थोड़ी देर, बड़े में आ जाएंगे, उधर जाके कुछ खा लेंगे, तो देखते हैं। अभी तो अभी हम लोग रुस्तम के आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। बस वो सिग्नल के इधर है, वहाँ पे सिग्नल है, वहाँ से राइट लेके पिज्ज़ा बाय द वे आएगा एंड उसके आगे जाएंगे तो रुस्तम की आइसक्रीम खाएंगे। तो हमारा थोड़ा सा चॉप हो गया है। यहाँ पे यही है रुस्तम का आइसक्रीम, रुस्तम की आइसक्रीम एक्चुअली, तो ये बंद हो गई है। ठीक है, बिना खाए जाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुँच गए बड़े मियाँ। इधर एक बड़े मियाँ, एक इधर भी है, एक उधर भी है एंड इधर एक बगदादी रेस्टोरेंट है। तो ये बगदादी रेस्टोरेंट का शॉर्मा बहुत अच्छा है, तो देखते हैं अगर मेरा दोस्त शॉर्मा लेगा और मैं कबाब लूँगा तो बता दो रिव्यू। तो ये बड़े मियाँ का मेन्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो मैंने और यश ने ऑर्डर किया एक चिकन टिक्का, इसमें 7 पीस आएगा, तो वो खा लेंगे। और फिर वेदांत और युवराज ये लोग मीठा खाने जाएंगे, तो वो बाहर खा लेंगे। सो गाइस दिस इज हाउ द चिकन टिक्का लुक्स लाइक। खा के बताता हूँ, टेस्ट तो अच्छा है। तुझे कैसा लगा? एकदम सॉफ्ट है, मतलब जैसे मुंह में जाके मेल्ट हो रहा है ऐसे। तो बड़े मियाँ से खा के हमारा हो चुका है। तो एक चिकन टिक्का मंगा था, उसका 305 के आसपास का बिल आया था, तो कर दिया पे। अभी बस इधर एक मीठा, मतलब इधर लेफ्ट लेंगे ना, मिष्ठान मिलता है उसका कॉर्नर है, तो वो जाके आइसक्रीम वगैरह देखते हैं उधर। तो ये बड़े मियाँ का स्वीट कॉर्नर है और ये इसका मेन्यू है, लाइक दिस इज़ द आइसक्रीम फॉर 90 रुपीज़। ये इतने सारे फ्लेवर्स है, पॉज करके पढ़ लो। और ये इसके फ्रूट जूस है एंड मिल्क शेक है, तो ये भी पॉज करके पढ़ लो, लाइक रीजनेबल है, ऐसा कुछ महंगा नहीं है। तो ये लोगों ने ये क्या है, चॉकलेट शेक है, देना एक बार टेस्ट करने दे मेरे को। अबे अपने कैंटीन में मिलता है ना कॉलेज में, अरे ओरियो शेक वैसा है, उस टाइप का है, अच्छा है। कैसा लगा? अच्छा है, मेरा भी मन कर रहा है मंगाने का। तो मैंने अभी ये कोल्ड कॉफ़ी ली है इनकी, ठीक है, मतलब ये थोड़ी कड़वी थी तो शुगर ऐड करने डाला, तो उसने बहुत ज़्यादा शुगर डाल दी, तो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई, मतलब आई रेटेड 6 out of 10। ओके ओके। तो गाइस रात के 1 बज गए, हम लोग गलियों में जा रहे हैं और इधर गाड़ी स्काउट कर रहे हैं भाई, कोई अच्छी गाड़ी पता चला दिख गई तो दिखा देंगे आपको भी। अर्टिगा है भाई? अरे वो जीप रे, ये वो तो मारुति सुजुकी जिप्सी है। पता नहीं भाई जिप्सी है, पता नहीं कोलाबा की कोई, तो अमीर गलियों में घूम रहे हम। लेफ्ट ले वापस, चल कोई भी ढंग की गाड़ी नहीं दिख रही यार, रोड पे पार्कड है। कहां जाना है भाई? ताज, क्या यार साउथ पे गाड़ी, एक हम लोग ने एक फरारी SF90 देखी थी, बट वो रोड के उस साइड चली गई यार, जैसे एक सेकंड के लिए देखी थी। इधर एक उरुस खड़ी होती थी, आज नहीं खड़ी है। और इधर ये मासे रहती खड़ी हुई है। ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई दर्शन ही करा रहे हम। हाँ भाई, हम हर नाइट ड्राइव पे इधर ही आते हैं, मुंबई में और कोई जगह ही नहीं घूमने को यार। अभी राइट टू ना, हाँ ले ले चलो।
क्या करना है, बीकेसी जाते हैं क्या भाई? अरे इसका पेट्रोल खर्च होता है। अरे बीकेसी का लाठी घुमा दे यार हमको आज, प्लीज भाई प्लीज। अबे तो कहां चलना बीकेसी, हां बीकेसी चलना, बीकेसी जाएंगे गाइस। पता नहीं कहीं तो चलते चलते आगे एकदम मस्त बिल्डिंग है इस डिजाइन। अरे गाड़ी में आए यार, गाड़ी में चल के आए, एकदम मस्त डिजाइन की बिल्डिंग है भाई, कितनी लंबी बिल्डिंग है। एंड इधर एक सोशल भी, हम लोग अभी कुर्ला में है, कंस्ट्रक्शन अच्छा बना हुआ है कुर्ला सोशल करके, कुछ होता भी हां है ना, इधर ही तो है भाई। वाय उस वे उस नाम है बिल्डिंग का, रेजिडेंशियल है क्या? गूगल मैप पे कुछ भी दिखाता है यार, राइट लेफ्ट, तो एक ब्रिज मिस कर दिया हम लोग ने अभी, बीकेसी 10-15 किलोमीटर दूर दिखा रहा हम लोगों को। तो हम लोग ने एक प्लान सोचा है कि घर जाएंगे तो अभी हम लोग घर जा रहे भाई, हो गया रात के, कितना बज गया भाई, 2 बज रहे रात के, अभी घर जाने में भी 1 घंटा लग ही जाएगा, आधा घंटा टाइम, 3 बजे तक घर पहुंचेंगे, फिर सो जाएंगे फिर बस। तो गाइस रात के 2:40 हो चुके हैं और मैं अपने घर आ चुका हूँ। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।